180 पड़ेगा, प्राइस पड़ेगा 1,20,000। पढ़ने वाला सर इसका, इसका 1,20,000 प्राइस, हमने 2,50,000 रखा है, इसका प्राइस हमने 3,20,000। गुड आफ्टरनून माई यूट्यूब फैमिली। गाइस आज आप लोगों के लिए फिर एक नया जगह हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कार का कलेक्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो भी स्टॉक से आपको एक एक करके दिखाएंगे, और यहाँ के जो स्टाफ से सेल स्टाफ उनसे मिलते हैं, और सर ही बताएंगे यहाँ पर जो कार है वो कितना प्राइस आपको मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं सर मेरे साथ में है। हेलो सर। हेलो मॉर्निंग, माय सेल्फ मंगलेश। अच्छा, तो गाइस सर जो है यहाँ के स्टाफ है और सर ही पूरा डिटेल आपको देंगे। तो सर पहला कार कौन सा होने वाला है? हमारी ग्रैंड आई टेन। ग्रैंड आई टेन, ये 2013 मॉडल है जी सर, डीजल वेरिएंट है ये। इसका प्राइस हमने 3,20,000 रखा है, चारों पावर विंडो मिलेंगे इसको, ये टॉप मॉडल है ये। उसके बाद सेकेंड कार हमारी स्विफ्ट ऑटोमेटिक है, केवल 600 किलोमीटर चली है। ओनली 600 किलोमीटर? ओनली 600 किलोमीटर। इसका 10 मंथ्स ओल्ड है ये। 10 मंथ्स ओल्ड है जी। इसका प्राइस हमने 6,70,000 रखा है इसका। ये डीजल में कि पेट्रोल में? ये पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट है ना। अच्छा सर यहाँ ये कौन सा ऑनर है, फर्स्ट किस है ना? सेकंड? फर्स्ट है ये ऑनर, फर्स्ट होगा। तो व्यूअर्स इसका आप लोग इंटरनल एक बार देख लीजिए। तो गाइस चलिए हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट कार पे। तो गाइस ये हमारी होगी थर्ड कार, ये 2015 की ये कार है, मारुति सिलेरियो। ये पेट्रोल वेरिएंट है, ये 55,000 चली हुई है, मात्र 57,000 किलोमीटर चली हुई है। हाँ जी, चारों पावर विंडो है ये, और ये टॉप मॉडल है। ये टॉप मॉडल आपको मिल जाएगा गाइस, और सर से इसका प्राइस पूछते हैं। 3,25,000। तो गाइस इसका जो प्राइस आपका 3,25,000 में ये कार आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है? तो इसका आप लोग इंटरनल एक बार देख लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट कार पे। तो व्यूअर्स ये हमारी होगी नेक्स्ट कार, सर इसके बारे में डिटेल देंगे आपको। होंडा ब्रियो 2013 की कार है ये, 55,000 चली हुई है, और इसका प्राइस हमने 3 लाख रखा हुआ है। तो सर ये डीजल वेरिएंट है कि पेट्रोल में? पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट सर यहाँ पर ही जो कार हम लोग देख रहे हैं इसमें फाइनेंस अवेलेबल है? इस कार में होगी। अच्छा, तो यहाँ पर ही मैक्सिमम कार जो है आपको है सारा फाइनेंस हो जाता है, ठीक है? तो आइए अपनी मनपसंद कार आप लोग यहाँ से ले जाइए। तो व्यूअर्स इसका आप लोग देख लीजिए इंटरनल। तो गाइस अब चलिए हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट कार पे। ये कार हमारी 2015 की है, i10, ये पेट्रोल वेरिएंट है, ये 55,000 चली हुई है। इसमें भी चारों पावर विंडो मिलेंगे, ये बैंक स्टाफ की ये कार है, फाइनेंस में अवेलेबल होगा। और सारे प्राइसेस जो भी मैं बोल रहा हूँ ये फिक्स प्राइस नहीं है, टेबल टॉक करेंगे, फाइनल प्राइस हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। आप लोग आइए और देखिए। सर इसका क्या प्राइस पड़ने वाला है? 2,50,000। तो गाइस ये आपका 2,50,000 में अवेलेबल है, और बैंक स्टाफ की कार है गाइस, तो ज़्यादा सोच सकते हैं वो लोग, ज़्यादा इधर से जाते नहीं है, बैंक जाना आना, तो देख सकते हैं गाइस। तो चलिए इसका इंटरनल आप लोग एक बार देख लीजिए। तो गाइस चलिए हम आपकी नेक्स्ट कार देखते हैं। ये 2011 की i20 है, ये 77,000 चली हुई है, इसका प्राइस हमने 2,50,000 रखा है। और डीजल है कि पेट्रोल है सर? ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो व्यूअर्स ये आपका पेट्रोल वेरिएंट है, इसका भी 2,50,000 इसका प्राइस है, ठीक है? तो अगर ये कार आपको पसंद आ रही है तो आके टेबल पे बात कर सकते हैं आप लोगों, प्राइस के लिए टेंशन नहीं है, जो भी होगा सर लोन कंसेशन कर देंगे, ठीक है? और फाइनेंस फैसिलिटी आपका अवेलेबल है, तो इसका इंटरनल आप लोग एक बार देख लीजिए। तो व्यूअर्स अब चलिए हम लोग चलते हैं आपकी नेक्स्ट कार पे। ये 2011 की i10 पड़ेगी हमारी, ये रांची नंबर है, लेकिन टॉप मॉडल है उस समय की, इसमें सनरूफ भी अवेलेबल है। इसका प्राइस 2,15,000 पड़ेगा। तो व्यूअर्स इसमें देख सकते हैं ऊपर में आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये गाड़ी आपको 2,15,000 ना सर, 2,15,000 में अवेलेबल है। तो आइए ये गाड़ी आपको पसंद है तो आके ले सकते हैं, और इसका इंटरनल आप लोग एक बार देख लीजिए। तो व्यूअर्स चलिए आप चलते हैं आपकी नेक्स्ट कार पे। 2013 की ये स्विफ्ट डिजायर है, सॉरी ये डीजल वेरियंट है, इसका प्राइस हमने 3,80,000 रखा हुआ है, ये 77,000 चली हुई है। तो व्यूअर्स ये आपका 77,000 किलोमीटर चली हुई है, और 3,80,000 में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है, स्विफ्ट डिजायर और डीजल वेरिएंट है। तो गाड़ी आपको पसंद है तो आ सकते हैं आप लोगों यहाँ पर ही, और इसका आप लोग इंटीरियर एक बार देख लीजिए। तो व्यूअर्स ये हमारी होगी आपकी नेक्स्ट कार।
ये 2009 की है, ऑल्टो एलेक्स आई है ये, अच्छा। ये 22,000 चली हुई है मात्र, 22,000 किलोमीटर, हाँ जी, अच्छा ठीक है सर। फर्स्ट ऑनर है ये, इसका इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। क्या प्राइस पड़ने वाला सर इसका? इसका 1,20,000। तो गाइस ये गाड़ी जो आपका 1,20,000 में अवेलेबल है, और सर ये फाइनेंस में अवेलेबल है क्या ये गाड़ी? नहीं नहीं, 2009 की मॉडल। तो गाइस ये 2009 की है जिसकी वजह से ये फाइनेंस नहीं होगी, तो ये कैश में आप लोग आके ले सकते हैं। तो इसका आप लोग इंटीरियर एक बार देख लीजिए। हमारी होगी आपकी नेक्स्ट कार, ये स्विफ्ट है, 2011 का है ये स्विफ्ट, ये डीजल वेरियंट है, ये 77,000 चला हुआ है। फर्स्ट ऑनर है कि सेकेंड ऑनर है? ये थर्ड ऑनर है। क्या प्राइस पड़ने वाला सर इसका? उसका 180 पड़ेगा। तो गाइस ये गाड़ी आपको 180 मिल जाएगी, और ये गाड़ी फाइनेंस पर अवेलेबल है सर क्या? 2011 की, अच्छा ये 2011 की है जिसकी वजह से ये भी आपको फाइनेंस पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर पसंद है तो आके आप लोग बात कर सकते हैं, प्राइस के लिए टेंशन नहीं है, जो भी होगा सलून कंसेशन कर देंगे। तो इसका इंटीरियर आप लोग एक बार देख लीजिए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये आपकी होगी आपकी नेक्स्ट कार, ये इंडिगो 2008 की है ये 22,000 चली हुई है, मात्र 22,000 किलोमीटर चली हुई है। इसका प्राइस पड़ेगा 1,20,000। 1,20,000 में भी गाड़ी आपका अवेलेबल है गाइस। और ये कौन सा ऑनर है सर? ये फर्स्ट ऑनर है। तो ये गाइस आपका फर्स्ट ऑनर है, तो इसका इंटीरियर आप लोग एक बार देख लीजिए। तो व्यूअर्स ये आपकी होगी आपका नेक्स्ट कार, तो सर से इसके बारे में डिटेल पूछते हैं। ये टाटा नेक्सन 2018 की है ये कार, इसका प्राइस पड़ेगा 5,20,000। फर्स्ट ऑनर की सेकेंड ऑनर सर? ये फर्स्ट ऑनर है। तो गाइस ये आपका फर्स्ट ऑनर है, और 5,20,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी गाइस, ठीक है। और ये तो फाइनेंस में अवेलेबल है सर, ये फाइनेंस आपका हो जाएगा गाइस। तो आइए, अगर लेना है पसंद है तो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसका इंटीरियर आप लोग देख लीजिए। तो व्यूअर्स यहाँ जो स्टॉक्स था सारी आपको दिखा दिया गया है, आपको कौन सा कार पसंद है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और प्राइस के मामले में टेंशन मत लीजिएगा, कंसेशन हो जाएगा और फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और अभी सर से हम लोग बात करते हैं पूरा डिटेल एड्रेस के बारे में। डिटेल यहाँ का एड्रेस, यहाँ का आदित्यपुर कंडरा रोड में फेडिल हुंडई होगा। आदित्यपुर से आने के लिए, बिष्टुपुर साइड से आने के लिए मेन रोड पे एनआईटी मोड़ के पास में हुंडई का शोरूम है, लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे है। आप एड्रेस अगर नोट डाउन करना चाहते तो एड्रेस है इसका प्लॉट नंबर A/2 Phase 2 आदित्यपुर कंडरा रोड आदित्यपुर 2, पिन कोड है यहाँ का 832109। और कांटेक्ट नंबर भी ऐसे हम ले लेते हैं ताकि अगर आप लोगों दूर से भी है, कहीं दूर से हैं, झारखंड के नहीं है, बाहर से भी है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर झारखंड के भी तो आप लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं भैया को देते हैं अभी। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 910-2990-550 and 910-2990-540, दो नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग क्या भैया? हमारा टाइमिंग है 9:30 to 7। और इसी तरह की और आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट मैं आप लोगों के लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।